हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहार की वो में। कैसे हैं आप लोग? मैं बढ़िया हूँ। और आज है वेडनेस डे, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, उनके 1 तारीख को स्कूल खुल गए थे। मैंने बताया भी था पहले वाले व्लॉग में, उनके कल 1 तारीख को स्कूल खुल गए और कल से ही उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट किया, यानी कि 2 तारीख से स्कूल गए हुए हैं बच्चे। 2 बज रहे हैं, 2:30 बजे तक बच्चे आते ही होंगे। व्लॉग मैंने अभी स्टार्ट कर रही हूँ, पता चल ही गया है आप लोगों को। कारण कारण ये है कि काफ़ी लेट काम हो पा रहा है क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन रह रहा है और पैरों में, तो इस वजह से मेरा काम जल्दी निबट नहीं पा रहा है, थोड़ा लेट हो ही जा रहा है किसी न किसी कारण से। तो 1:30 बजे मैं नहाई हूँ हेयर वॉश करके और मुझे जाना है कहीं। कहाँ जाऊँगी आप लोगों को ज़रूर मिल पाऊँगी, पता चल ही जाएगा। आप लोगों को ब्लॉग में बने रहना, आप लोग तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ। बहुत अच्छे हैं, क्लोज हैं मेरे काफ़ी, जिनसे मैं आपको मिलवाना मिलवाऊँगी आज, तो मिलते हैं। और हो चुकी हूँ, बच्चों का इंतजार कर रही हूँ, बच्चे आए नहीं है। देखती हूँ बालकनी में जाकर के, तसल्ली नहीं मिलती जब तक बच्चे आ नहीं जाते। और ये ना बच्चे आते ही गर्मी लगनी शुरू हो गई है, बनियान में आ गए बॉडी बिल्डर मेरा। तो काव्या को तो दे देती हूँ खाना, प्रथम खाना खा नहीं रहा अभी, काव्या को खाना निकाल दिया, उसे खाना दे देती हूँ। अभी खाना खाओ, खाना खाओ, पढ़ाई बाद में करना। लो आते वो बुक निकाल के बैठ गई है होमवर्क करने के लिए। उसको थोड़ा सा डर लगता है कि मैम मेरा होमवर्क ज़रा भी रह जाएगा तो मैम डांटेंगी मुझे, इसलिए वो होमवर्क करने बैठ गई आते के साथ ही। खाना वाना खाया नहीं उसने, अभी बैठ गई है। किचन विचन क्लीन कर लेती हूँ मैं, जो बर्तन है जो मैंने खाना वाना खाया था वो, और भी थोड़े बहुत बर्तन है उनको निकाल लेती हूँ और बर्तन वर्तन क्लीन करके फिर मैं जाती हूँ। तो प्रथम अभी खाना खाएगा नहीं, वो बोल रहा है मम्मा मैं अपने आप ले लूँ। काव्या पहले थी 3rd में, 3rd से आगे 4th में। अभी इसको आज दूसरा दिन था नई क्लास में जाते हुए, मतलब 4th पे टीचर चेंज हुई है। तो पूछती हूँ काव्या से, काव्या को कैसा लग रहा है अभी क्लास चेंज होने के बाद में, बताओ कैसा लग रहा है? मैम कैसी मिली है? अच्छा वही पहले वाली मैम है। अच्छा तो मैथ की मैम ने बोला कि तुम मैथ में स्पेशली बहुत अच्छी हो, और हिंदी वाली मैम ने बोला तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी हो रही है। आज स्कूल में रीडिंग करवाई इंग्लिश की। अच्छा और अभी मैं जा रही हूँ तो जाना नहीं, ठीक है? ओके बाय। भाभी को पता चल गया, भाभी ने गेट भी खोल दिया। हाय तो कर दो हमारे व्यूअर्स को। तो ये है जिनके घर में आई हूँ, जो बहुत क्लोज है। ये है भाभी हमारी फ्रेंड भी, भाभी का फ्रेंड ज्यादा। तो फ्रेंड्स देखिए भाभी ने कितना कुछ इंतजाम कर दिया मेरे लिए, ये समोसे मंगा लिए, चटनी ले आई, मैं सोचा सरप्राइज दूंगी, उन्होंने मुझे ही सरप्राइज दे दिया इतना कुछ मंगा करके। चाय वाय बन चुकी है तो हम चाय पीते हैं, समोसे खाते हैं, उसके बाद फिर चटनी भी नहीं आई। और कौन सी चटनी? ग्रीन वाली? ये ग्रीन है, ये रेड है, अलग अलग फ्लेवर ले लो। आओ अच्छा दोस्तों आप भी खाइए समोसे। ये हमारी भाभी सही है जो आ रही है। ज्यादातर क्या होता है कैमरा शाही होते हैं, लोग नहीं आते, लेकिन भाभी ने मुझे बोला कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तू मुझे शूट कर, मतलब ले सकती है अपनी वीडियो में, मैं आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाभी आई है, सपोर्ट कर रही है मेरा, आप लोग भी कीजिए।
तो फ्रेंड्स हम लोग डी मार्ट पहुँच गए थे, और डी मार्ट पहुँच करके ना हम लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग करने के बाद में ना ज़्यादा कुछ नहीं लिया था मैंने सामान, थोड़ा बहुत ही लिया था, वो आगे आपको दिख ही जाएगा वीडियो में। सामान देख रहे हैं हम, काफ़ी सामान देखना पड़ा था मुझे, मैं ज़्यादा कुछ लेती ही नहीं हूँ डी मार्ट से, थोड़ा बहुत ही सामान लेती हूँ, और मुझे कुछ खास लेना भी नहीं था क्योंकि मैं पहले ही, हम लोग राशन वाशन पहले ही ले आए थे, जो थोड़ा बहुत घटता है ना बीच में वो हम लोग ले लेते हैं, बाकी और सब तो राशन मैं ले ही आई थी, थोड़ा बहुत राशन था जो मुझे लेना था। राशन के नाम पे तो बस आटा ही मेन था, और बाकी कुछ खास सामान मेरा था नहीं, थोड़ा बहुत ले आई थी मैं। ढूंढ रहे हैं, काफ़ी देखना पड़ जाता है, जाते हैं तो हम लोग क्या देखते रहते हैं, लेडीज़ की आदत होती है कि देखते रहो, ये भी देखो वो भी देखो, लेते हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से हूँ मैं स्पेशली। ज़्यादातर लेडीज़ क्या होता है ना, वो अपनी ले आती हैं, बजट से आउट कर देती हैं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत देखभाल के जो भी मुझे लेना था थोड़ा बहुत वो मैं ले आई थी। अभी मैं देख ही रही हूँ क्या क्या मुझे लेना, मैंने कुर्ता भी देखा था वहाँ, लेकिन कुर्ते मुझे कुछ खास ना क्वालिटी नहीं लगी उनके कपड़ों की, तो इसलिए मैंने कुर्ते लिए नहीं वहाँ से। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम लोग डी मार्ट, गए थे डी मार्ट से कुछ लिया, कुछ अपने लिए ऐसे ही, हाँ यहाँ की जो हमारी मार्केट है लोकल शॉप से मैंने अपने लिए दो कुर्ते भी लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी क्या लिया है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। पहले तो मैंने बर्तन मांजने के लिए लिया है ये लिक्विड, और बेटी के लिए ये शैम्पू यूज़ करती हूँ मैं क्योंकि मेरी बेटी हो तो गई है बड़ी 8 साल की, लेकिन उसके लिए अभी यही शैम्पू उसको सूट करता है, तो मैं यही शैम्पू उसके लिए लेके आती हूँ। तो मैंने ये शैम्पू लिया है जॉनसन बेबी का, और मुझे ना ये स्पार्कल का अच्छा लगता है, ये फर्श क्लीन करने वाला है तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है लिक्विड, तो मैं यही लाती हूँ। उसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है और वैसे भी बहुत अच्छा है फ्लोर क्लीनर। और सर्फ मेरे यहाँ एक पैकेट रखा हुआ था तो एक पैकेट मैं और ले आई हूँ, सर्फ रखना पड़ता मुझे, सर्फ एक्सल ही यूज करती हूँ ब्लू, और बच्चों के लिए ये कोई खास नहीं है। हाँ, और आटा लेके आई हूँ मैं, आटे की थैली, नेचर फ्रेश ही यूज करते हैं ज्यादातर, नेचर फ्रेश या फिर आशीर्वाद, ये दो ही ब्रांड के मैं आटा यूज करती हूँ, मुझे बहुत बेस्ट लगता है। और मैं लेके आई हूँ दो कुर्ते भी लेके आई हूँ अपने लिए, तो ये है, बाकी जब मैं इसको फिटिंग कराऊंगी पहनूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी पहन के कैसा लग रहा है, तो आप लोग भी बताना। अरे ये है बीबा का कुर्ता है ये, जब मैं पहनूंगी तो आप लोग जरूर बताना मुझे। बस मैं इतना ही सामान लेके आई हूँ फिलहाल। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आई होप आपको मेरे ये आज का ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।